सकता है। और सितारा के आसमान के बारे में भी इन्होंने बातें की, काफ़ी सारी बड़ी खुल के बातें की। साजिद ने हेल्प ज़रूर की है, वही ड्रेस उसको जचता है। प्यार भी वो कह रही है कि भाई मैं यही कहूँगी, किसी को बुरा लगता है तो लगे इसमें अम्मा ने देखा होगा। सितारा के आसमान जैसे ही वो काम शुरू करती है इसको चारों तरफ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मैं जान की टोटीज छोटी छोटीज एंड पतली मोटीज सुक्के सुकुन्नी से सबको बहुत सारा प्यार। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जनाब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक ठोक दें क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। आपका क्या जाता है लड़कियों, मामा पापा की परियो? कहते हैं जी ख्वाहिश, ख्वाहिश जिंदगी में कभी भी ये ख्वाहिश मत करें कि जो आपके पीठ पीछे लोग बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे, क्योंकि अगर आपने वो सब सुन लिया तो इस दुनिया में आपको अपना कोई भी एक भी मुखलिस नहीं मिलेगा। और ये एक कॉल भी है, हजरत अली का कॉल है ये, कि अगर आप लोगों की या अपने रिश्तेदारों की या किसी की भी, मतलब दुनिया वालों की, अगर आप बातें आपको सुनाई देती हैं, आप सुन पाते ना, तो लोग एक दूसरे को दफनाना छोड़ देते। तो ये परवाह ना किया करें, ये दुनिया है यार, ये दुनिया है। तो देखें हम खुद भी कहीं ना कहीं कोई बात कर बैठते होंगे, हमारे मुंह से भी चाचे मामे फुफे ताए के लिए कोई बात निकल लेती होगी भाई, जो उनको टीस पहुंचाती होगी। लेकिन कुछ लोग तो फिर अंत ही करते हैं ना, वो तो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, जो कि और ही ज़्यादा खतरनाक है। एक होता है गिला शिकवा, थोड़ा सा शिकवा करना, और एक होता है कि प्लानिंग प्लॉटिंग गिराना। तो उसमें जो है फिर अगर ये हम सुन पाते एक दूसरे की चीज़ें, प्लानिंग प्लॉटिंग या इस तरह की गुफ्तगू, तो फिर कहते हैं कि इंसान इंसान को दफनाना छोड़ देता, इतनी नफरत हो जाती, नफरतें बढ़ जाती। तो अभी जो ये मुँह लिहाज वाली चीज़ें हैं ना, यही बेहतर है। जनाब साजिद साहब कौसर को ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, या मरी या गाँव। तो कौसर की जो चॉइस है वो ये चॉइस है कि मैंने वालदैन के पास जाना है, मैंने ठंडे इलाके में नहीं जाना, मुझे मेरे वालदैन के घर छोड़ दें। तो फिर जनाब वो अब जा रही हैं अपने गांव, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि मैं अपने गांव जाऊं, बहन भाइयों को मिलूं, वालिद को मिलूं, और बच्चा भी जाके अपने ननिहाल में जो है कुछ दिन रह के आए। तो कौसर की जो ख्वाहिश है वो साजे साहब ने पूछी, ऑप्शन रखे मरी का या गांव का, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है जाना है गांव, तो वो अपने गांव जा रही हैं। कहते हैं जी बड़ा आज सितारा की एक फ़ैन है मैं, उनके बहुत लंबे चौड़े कमेंट का ना आपको तफसीली वो करके दूंगी, गौर से सुनिए। क्या बड़ी पत्ते की बातें की हैं सितारा के आसमान के स्टोरी के बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में, कपड़ों के बारे में, उनके वर्क के बारे में। लेकिन उससे पहले वो कहती हैं कि यार काश हेटर्स तक रिश्तेदार ना पहुंचते तो आज ये मसले बहुत ज़्यादा ना बढ़ते। ठीक है जी, काश हेटर्स तक रिश्तेदार ना पहुंचते, प्लानिंग प्लॉटिंग ना करते, तो आज ये मामलात इतने ज़्यादा ना बढ़ते और ना बदनामी होती सितारा की। अच्छा जी, इस पे तो बात करते हैं, और पहले मैं बात करूंगी। नाना ने जनाब अपने बेटे का फेस रिवील कर दिया है, वो तो पहले ही हो गया था, मैंने बोला था कि वो अपने वालिद की शक्ल है, और उसने मोहम्मद ईसा का नाम तब्दील करके अब मोहम्मद अली उसने अपने बेटे का नाम रखा है, और उसकी थर्ड भरजाई जो है उनका भी तकरीबन कहीं फेस रिवील हो चुका है, उनकी सास के आई थिंक चैनल पे नाना की। तो खैर उनके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बनी हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कायदे आजम के ज़माने की फ़ोटो अपनी शॉर्ट पे लगा के उन्होंने वो रिवील किया, लेकिन हाँ लेटेस्ट लगा लेती तो क्या था। लेकिन इधर किसी को जवाब नहीं देना होता, इधर तो किसी की, मैं कहती हूँ इनके मुंह सिले होते हैं, जो इनकी धजियाँ उड़ा के निकल लेते हैं ना, इनके मुँह उधर सिले होते हैं। ठीक है, तो इधर इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, इनके फूल बरस रहे होते हैं, जब वो इतना इतना इनको धो रहे होते हैं तो वो इनको सुनाई नहीं देता, इनको सुनाई सिर्फ इधर देता है, जो पॉजिटिविटी की तरफ समझाने की बात कर रहे होते हैं, जो इनको गंदी गालियां दे रहे होते हैं वो इनको फूल लगती हैं। अच्छा चले जी छोड़े परे,
यहाँ पे मैं बात करूंगी सितारा की फैन की दिल की बातें। सितारा ने कल जो डायलॉग बोला वो उसके डायलॉग डिलीवरी जो सितारा ने बोली है कि वो आपने तो हमसे हमारा गरूर ही छीन लिया वाला जो डायलॉग था, बड़ा जबरदस्त उनको लगा। उन्होंने कहा कि उनके व्लॉग की जान थी ये डायलॉग, और वाकई मैंने अपने ये वीडियो में बोला है सुबह कि यार मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना एक होता है ना कि पूरे व्लॉग में ना आपका ये वाला चीज जो था ना फेमस रहा, एक आयत वाली बातें और ये डायलॉग इनके व्लॉग की जान था। एक चीज होती है आपको अट्रैक्ट करती है, तो वो कहती हैं कि डायलॉग डिलीवरी जो की गजब की थी, इतना टैलेंट है कि करेक्टर में जिसमें ढलना चाहे ये ढल जाती हैं। इसको दबा के रख दिया हुआ है, इसको दबा दिया गया है। और सितारा के आसमान के बारे में भी इन्होंने बातें की, काफ़ी सारी बड़ी खुल के बातें की। और कहती हैं कि कमाल का जो है इसमें टैलेंट है, इसको दबा दिया जाता है। और कमाल का इसने अदायगी की है कल के व्लॉग में, वो बहुत ही प्यारे अंदाज में बोलती हैं और उसी में ढल जाती हैं जो भी करेक्टर करती हैं, बहुत प्यारा लगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको सिर्फ पॉलिश की ज़रूरत है, अगर ये किसी ऐसी जगह पे होती या किसी कोई इसको पॉलिश थोड़ा सा कर देता ये ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। फिर उन्होंने कहा कि जो है लेकिन इसकी किसी ने हेल्प नहीं की। यार अगर देखा जाए ना, साजिद ने हेल्प ज़रूर की है, वो अपनी बीवी की हेल्प करता है क्योंकि उसको भी पता है उनकी रोज़ी रोटी है, ये उनका काम है, तो वो ज़रूर हेल्प करता है। वो थोड़ा सा अगर पटड़ी से हटता है तो वो बीवी का काम होता है भाई उसको सीधा करना। हमारे अपने घर में यही रोले मसले होते हैं, मैं अगर मेरे से कोई गलती गुस्ताखी हो रही है पटड़ी से हट रही हूँ तो मुझे मेरा बंदा दबा देगा है, समझाएगा के बिहेवियर क्या हुआ है, तुम्हारे बिहेवियर को क्या हुआ है, किधर हो। मेरे हस्बैंड में अगर कोई ऐसा होगा कि वो पटरी से उतर रहे हैं या उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं बोल दूंगी। तो ये हमारा नेचुरल एक अंदाज होता है सबका, हस्बैंड वाइफ का, ठीक है जी। खैर यहाँ पे तो दूसरी वाइफ का भी है ना, तो उन्होंने समझा दिया ठीक है। बाकी वो हेल्प ज़रूर करते हैं, उसके प्रॉप्स लाने में, उसका ख्याल रखने में ज़रूर करते हैं। खैर इन्होंने कहा इसकी किसी ने हेल्प नहीं की, काश इसकी कोई हेल्प हो जाती ना, ये बहुत आगे से आगे जा सकती थी। और जैसे ये अपने ड्रेस वेयर करती हैं बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारी जचती हैं उस पे ये ड्रेस, साड़ी हो गई, सूट हो गए, मैक्सीज वगैरह जो पहनती हैं, फ्रॉक पहनती हैं, बहुत ही कमाल के दिखते हैं इनका ड्रेस, वही ड्रेस उसको जचता है, प्यारा लगता है। और इसके इतने प्यारे कपड़े हैं कि इनको रोज़ सुबह तैयार होके फिर व्लॉग जो है स्टार्ट करना चाहिए। और फिर जो है इस तरह नहीं होता, डेली व्लॉगिंग का होता भी यही है ना कि आप जिस तरह होते हैं आपने उसी तरह से ही व्लॉग को शूट करना है। लेकिन आपका कहना है कि जो है इनको चाहिए कि सुबह डेली व्लॉग में जो है ये पहना करें, बेशक साड़ी पहने, बेशक फ्रॉक पहने, जो भी ड्रेसिंग पहनना चाहती हैं वो पहने, बहुत प्यारा लगता है। और जब ये जो है साड़ी पहन के पोछा लगा रही थी और अनीता को कहती है इधर आओ, वो वाला सीन इतना ज़बरदस्त था। हाँ वो मुझे भी बहुत प्यारा लगा था पोछा लगाने वाला, कि यार सुसर बैठा बंदा खुल के एक्टिंग भी नहीं कर सकता, तो ये भाई वो बैठा है ज़्यादा मतलब उतना नहीं हो पा रही, लेकिन चलो कोई नहीं, वो सीन बड़ा कमाल का सीन था। और कैमरामैन अनीता को हम नहीं भूल सकते, कैमरामैन अनीता ने कमाल का वो उसने भी बहुत अच्छा शूट किया, वरना हम किसी और अननोन पर्सन को कैमरा पकड़ाए ना यकीन माने मेरे अपना हस्बैंड यार वो कैमरे या इधर होगा या इधर होगा या फिर पता नहीं किधर होगा, वो इस तरह होता है, वो समझ से बाहर होता है। लेकिन कैमरा पकड़ने वाले का भी कमाल है और एक्टिंग करने वाला जो है वो तो वैसे ही कमाल है। खैर उन्होंने कहा कि वो अच्छा सीन था, बहुत प्यारा लगा था। और इसको सितारा का आसमान इसलिए हटाया गया, भरपूर अंदाज से ये काम कर रही थी सितारा के आसमान पे, किसी को बुरा लगता है या नहीं लगता, लेकिन मैं तो कहूँगी कि अम्मा जी जो है वो भी उन्होंने भी रोका सितारा को, लेकिन कुछ रिश्तेदार भी पीछे पड़ गए। हाँ स्टोरियाँ ले आए थे, स्टोरियाँ ले आए थे मुसलसल, उन्होंने जो है पोक परवोक भी किया इनके ड्रामे को लेके, एक्टिंग को लेके और शायद कोई कहानी को लेके, तो ऐसे ही कुछ था। खैर वो वाला जो लास्ट इन्होंने ड्रामा का वो बनाया था ना
स्टोरी का कमाल थमाल थमाल था वो वाला, बहुत प्यारा लगा था वो वाला, जो वो जो बनती हैं वो सितारे देखने वाली, या ऐसे कुछ था, कमाल का गेटअप था यार, बहुत प्यारा। तो खैर यहाँ पे जो है अभी वो कह रही है कि भाई मैं यही कहूंगी, किसी को बुरा लगता है तो लगे, इसमें अम्मा ने भी रोक दिया, उसके रिश्तेदार भी पीछे पड़ गए, आखिर उसे हटना पड़ा अपने काम से। जिस तरह की वो एक्टिंग कर रही थी या प्रॉप्स यूज कर रही थी, जबरदस्त लग रही थी, और उसका टैलेंट जो है दबा दिया जाता है, दबा दिया गया है। जब ये कोशिश करने लगती है फिर आते हैं, फिर बंद करवा देते हैं। जब जब ये जो है ऊपर उठने लगती है, अपना काम करने लगती है जबरदस्त एक्टिंग के साथ या डिफरेंट अंदाज के साथ, तो गिद्धों की तरह सारे पड़ जाते हैं, हेटर्स भी, रिश्तेदार भी, और कुछ पब्लिक भी, और सितारा को जो है फिर से चुप करा दिया जाता है, वो खामोश बिठा दिया जाता है कि यार ये बहुत ही आगे ना निकल जाए। जिस तरह से वो अपना वर्क करती है, काम करती है, तो उसकी कोशिश को वहीं पे दबा दिया जाता है। और कहा कि अभी ये राबिया और नजमा वाला वाकया हुआ है, ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसका ट्रिप था, ट्रिप पे जाने लगी थी, तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और अगर रिश्तेदार और आवाम चुप हो जाएगी ना, तो भी खानदान किसी को भी चुप नहीं होने देता। मतलब अगर आवाम को चुप हो जाती है ना, तो फिर खानदान वाले किसी को चुप नहीं होने देते, वो बोलते ही रहते हैं, इसको आराम से ब्लॉगिंग नहीं करने देते। बहाना लगाते हैं कि सपोर्टर्स व्यूवर्स का जो है कि वो बोलते हैं या वो कुछ बोलते हैं। हसद जो है इन लोगों में भरा हुआ है, आग भरी हुई है, ख़त्म नहीं होती, और अभी भी यही लगता है कि कौसर को उकसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं फिर से वही लोग जो हैं दोबारा से उठ के आ रहे हैं, और वही शायद भड़का रहे हैं। जब डिलीवरी का टाइम था तो कोई भी नहीं बोला, सारे खामोश थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही अब ट्रिप का प्रोग्राम बना है, तो बहुत सारे लोग उठ उठ के अब आ रहे हैं और एक्टिव हो रहे हैं। और जो है, और इसमें जो है कौसर का भी मूड बनना शुरू हो गया है, वरना बिल्कुल सारा कुछ इनका सही जा रहा था, मज़ेदार तरीके से सब कुछ चल रहा था। मौके की तलाश में लोग होते हैं, और फिर उसके बाद जो है उस सितारा को काम भी नहीं करने देते। अपने खानदान का ये नगीना है, मतलब हीरा है, हीरा नगीना है, ये कीमती नगीना है, ये हमेशा जो है अपने, देखा होगा सितारा के आसमान, जैसे ही वो काम शुरू करती है, इसको चारों तरफ से वो मतलब घेर के इसको जो है फिर से दबा देते हैं कि ना करो ना करो यार, ए ना करते, ओ ना करते, फला ना कर, इस तरह कर लेते हैं, वरना ये बहुत ज़बरदस्त। मुझे याद है ये जो अरमान है ना, ये जो सॉन्ग बनाता है, ये खुद पैसे लगाते हैं प्रोडक्शन पे, खुद पैसे लगाते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं, और फिर आगे सीडीज भी बेचते हैं। और ऐसे ही आपकी ना, जैसे टीपी गोल्ड है पाकिस्तान में, जैसे और भी काफ़ी सारे इस तरह से जो है थर थर हो गया, थर प्रोडक्शन हो गई, तो ये थर प्रोडक्शन है या टीपी गोल्ड है, बड़े बड़े एक कंपनीज हैं, इनके साथ हमने काम किया है। तो क्या है ये इन्होंने अपना जो है नाम रखे हुए हैं, अपनी कंपनीज बनाई हुई हैं, ये भी ऐसे ही सीरियल बनाते हैं और फिर आगे से आगे सेल करते हैं। ये लोग सेल करते हैं कंपनी को, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इनके होते हैं, आगे लोगों को कहते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह को, कि हमें आप जो है अच्छे सब्जेक्ट पे ड्रामे दें, टेलीफिल्म में बना के दें, या जैसे ये सितारा ने बनाई है, ये टेलीफिल्म बनाई है, ठीक है जी, टेली ड्रामा कह लें, टेली फिल्म कह लें, तो इस तरह से जो है वो फिर आगे परचेज करते हैं, फिर आगे से आगे मजीद मशहूरी करके वो फिर सेल करते हैं, फिर इस तरह एक्टर का नाम हो जाता है। तो ये होता है तरीका का। अच्छा, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि उसका सारा काम जो है ना, मतलब उसको पड़ जाते हैं, वो बंदा फिर डिसार्ड हो जाता है, फिर वो चुप हो जाती है, बैठ जाती है। और उसके बाद कहा कि काम को जो है रोका जाता है, और अम्मा को भी नहीं चाहिए कि सितारा को रोक दिया करें, अम्मा को भी चाहिए कि इसको साथ दें। और जो है बाकी डक्की वाला मामला जो हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, उनकी मिसेज का और उनका मामला जो हुआ था, कोई रिश्तेदारों में से वीडियो नहीं बना रहा था, कोई भी नहीं आके जो है ड्रामेबाजी कर रहा था, कुछ भी नहीं, हालांकि सिस्टर आलोजी तक ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी, वो भी उन्होंने भी खामोशी अख्तियार की, और ये चुपचाप अपना काम करता है लीगली जाके,
और स्ट्राइकें वगैरह भी देते हैं और इस तरह से, लेकिन जो है उसने स्टैंड लिया डकी ने खुद। यहाँ पे जो है सारे आ जाते हैं बोलने के लिए, छोटी सी बात होती है सारे उठ खड़े होते हैं, आज ये होगा वहाँ पे, आज वो होगा, आज मतलब वो पहले से रिवील कर देते हैं चीज़ें सितारा की। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि सितारा की गलती है, किसी हेटर या रिश्तेदारों को शट अप कॉल नहीं दी स्टार्टिंग में, जैसे ये लोग बने थे या आए थे तो इनको चाहिए था कि ये शट अप कॉल देती, वरना जो है रिश्तेदार आसानी से हेटरों के पास जाके सितारा की बदनामी आसानी से ना करते, उनको डर रहता, खौफ रहता। तो बिल्कुल आपने सही कहा मिश्रा जी, आप के ये पॉइंट बड़े ज़बरदस्त हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे हैं आपके ये पॉइंट, और ख़ासकर उसकी उसकी एक्टिंग। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये हराम है, तो फिर हराम तो ये भी है कि कैमरा के सामने आना है, बाकी चीज़ें दिखाना, ये कपड़े पहनूंगी या ये जूते पहनूंगी, ये चूड़ियाँ पहनूंगी, सारा कुछ दिखाया जा रहा होता है, फिर हराम है तो फिर सारा हराम है। ना करो ना बोटियाँ हलाल तो शोरा हराम, या शोरा हलाल तो बोटियाँ हराम, ये अली ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए, तनकीद करने वालों को कह रही हूँ। तो भाई काम तो काम है, काम है, वो खुद मेहनत कर रहे हैं, अगर ठीक है तो फिर तो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहिए, फिर तो आवाज़ भी नहीं लोगों को सुनानी चाहिए। तो अब जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ठीक है भाई, उनकी मेहनत है, और वो किसी की रोज़ी रोटी तो नहीं छीन रहे ना, अपनी मेहनत करती है, और उसकी ज़बरदस्त आर्ट एक्टिंग है, उसके प्रॉप्स, उसकी ज्वेलरी, उसका मेकअप, उसके ज़बरदस्त जो स्क्रिप्ट वो बनाती हैं या लिखती हैं, वो भी कमाल का होता है। तो खैर आज भी देखेंगे कौन सा व्लॉग आता है उनका, वेट रहेगा। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।